आज मसाला किचन में बन रही है आंवले की व्हाइट कैंडी, क्योंकि काली कैंडी बच्चे खाना पसंद नहीं करते। आज हम बनाएंगे इसे व्हाइट कुछ खास ट्रिक्स के साथ। इस समय सीजन के बहुत सारे आंवले आ रहे हैं। आंवलों को हम कैसे स्टोर करें, कैसे उसका तेल बनाएं, कैसे हम पाउडर बना के रखें, ये रेसिपी मैंने आपको कई बार दी है। आंवले की कैंडी भी हम अक्सर बना के रखते हैं, लेकिन आंवले की कैंडी काली ना हो, खास बात है ये। तो आज इसमें देखेंगे आंवले की कैंडी काली नहीं होनी चाहिए। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें, ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। आज हम बनाएंगे आंवले की कैंडी, पर कैंडी भी आप लोग कई बार बनाते होंगे। क्या आपकी भी कैंडी इसी तरीके से व्हाइट कलर की बनती है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज की रेसिपी है, इस कैंडी को काला नहीं होने देना है, इसे व्हाइट का व्हाइट ही रखना है। इसके लिए बनाते हैं आंवले की कैंडी। घर में ये कैंडी बहुत ही सस्ती पड़ती हैं, मार्केट में इससे 4 गुना ज़्यादा महंगी मिलती हैं। क्यों ना हम इस सीजन में ज़रूर बनाएं, हमें इसे ज़रूर बनानी चाहिए। तो आंवले के सीजन में आंवला खाना तो बहुत ही फायदेमंद है, हमारी आई साइट को ठीक रखता है। आंवले के फायदे तो अनगिनत हैं, तो किसी भी तरीके से हमें कैंडी बच्चों को ज़रूर खिलानी चाहिए। कभी भी चटनी में डालकर, कभी किसी में डालकर, ज़रूर हमें आंवले को यूज़ करना चाहिए। विटामिन सी भी भरपूर है, बस हमें कोशिश ये करनी है कि आंवले गले सड़े नहीं होने चाहिए। यहाँ मैंने ले लिए 1 किलो आंवला, जिसे मैंने पानी में धो लिया है। चलिए अब हम देखते हैं इसे कैसे बनाना शुरू करें। यहाँ मैंने लिया है पानी, जिसमें मैं ये आंवले डाल रही हूँ। आंवले को मैं इतना ही सिर्फ उबालूँगी जितना उसके पीसेस अलग अलग होने लगे। आंवले की बहुत सारी रेसिपी होती हैं, किसी भी तरीके से हमें खाना चाहिए। आंवला मुरब्बा, कैंडी, अचार, आपको कौन सी आंवले की रेसिपी पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ मैं दिखाती हूँ। देखिए आंवले को हमें इतना ही पकाना है जिससे आंवले में सिर्फ साइड से कट लग जाएं। उससे होगा ये आंवले के पीसेस अलग अलग हो जाएंगे अपने आप, इन्हें हमें नाइफ से नहीं काटने पड़ेंगे। आप या तो इतना उबालिए, अगर नहीं तो एक विसिल प्रेशर कुकर में लगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। तो अब इन आंवलों को हम निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए सारे आंवले अपने आप अलग अलग हो रहे हैं, ये देखिए। इन्हें ठंडा करके इन सब को अलग अलग कर दीजिए। ये जो अंदर सीड है, इसकी गुठली है, उसे आप अलग करते जाइए। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सॉफ्ट हो चुके हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आंवले की अचार कैसे बनाते हैं, आंवले का तेल कैसे बनाते हैं, आंवले का पाउडर कैसे बनाते हैं, मैंने कई वीडियो डाल रखे हैं, उन्हें आप ज़रूर देखिए। ये देखिए आंवले के सीड्स मैंने अलग कर दिए हैं, आंवले के पीसेस मैंने अलग कर दिए हैं। अब ये जो पानी है ये बहुत ही हेल्दी है, इस पानी को आप ठंडा करके आप बालों को वॉश कर सकते हैं। अब इसका जो माप होगा ज़्यादा से ज़्यादा 800 ग्राम होगा, तो हमें 400 ग्राम के आसपास चीनी डालनी है। 2 कप भर के मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी है और इसे धीरे धीरे हम मिक्स करेंगे। यहाँ जो पहला सीक्रेट जिससे हमारे आंवला कैंडी बिल्कुल सफ़ेद बनी, उसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसमें मैंने नींबू डाल दिया। ये आप ज़रूर करें, इससे आपकी कैंडी स्वादिष्ट तो बनेगी लेकिन कभी भी काली नहीं पड़ेगी। ये है दूसरा सीक्रेट, जो है आंवले को हमें काले कपड़े से बांध के रखना है। कोई भी काला कपड़ा लें आप, चुन्नी ले सकते हैं, कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, उससे आप बांध के रख लें। कोशिश करें किसी कांच के बर्तन में करें या प्लास्टिक में करें, स्टील एल्यूमिनियम में नहीं करें। तो आंवले के ऊपर हमने ये काला कपड़ा क्यों बांधा है मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। 4 से 5 दिन तक हमें इसे रखना है, 2-2, 3-3 घंटे हमें धूप दिखानी है। सारा दिन धूप में नहीं रखना है, अगर कहीं खिड़की में थोड़ी सी धूप आ रही है तो बस आपको धूप दिखानी है। नहीं धूप आ रही है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही रख सकते हैं। लीजिए 4 से 5 दिन हो गए हैं, अब इसका सारा पानी हम निकाल लेते हैं।
एक स्ट्रेनर में इसको सारा पानी निकाल दीजिए और इस आमले को एक थाली में रख दीजिए। यहाँ पर मैं दो थालियाँ ले रही हूँ, उनमें अलग अलग दूरी दूरी बना के इस आमले को रख रही हूँ। तो अब देखिए, इस कैंडी को अगर आपको मीठा ही रखना है तब तो हम इसी तरीके से बस इसे सुखाएंगे। अगर आपको इसे चटपटा बनाना है तो इस वक्त इसमें काला नमक, भुना जीरा, थोड़ा हींग पाउडर, अजवाइन पाउडर या अदरक का पाउडर, ये सब चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं, जिससे ये बहुत ही चटपटा बनेगा और स्वादिष्ट भी बनेगा। और फिर जब सूख जाएगा तब हम देखते हैं हमें क्या करना होगा। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा धूप आती है तब तो आप धूप में रखिए, धूप नहीं आती है तो थोड़ी छाया में भी सूख जाएंगे। छाया में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, धूप में थोड़ा जल्दी सूख जाएंगे। ये जो पानी, शक्कर वाला पानी बचा है, इसे हम शरबत के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इसे छान कर थोड़ा पका कर आप एक बॉटल में रख दीजिए फ्रिज में, और जब भी आपका मन करे गर्मियों में बर्फ़ डालकर ठंडे पानी में इसका यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं उसमें। तो यहाँ देखिए, कैंडी बिल्कुल सूख चुकी है। दोनों थालियों में मैंने थोड़ी धूप दिखाई है, थोड़ी छाया में 4 से 5 दिन हो गए हैं। ये जूसी भी है लेकिन सूख चुकी है, लेकिन ये कैंडी बिल्कुल भी काली नहीं हुई है। आगे भी ये बिल्कुल काली नहीं होगी। ये जो खास ट्रिक्स थी ये मैंने आपको फॉलो करवाई हैं, आप भी इसी तरीके से फॉलो कीजिए। अब इसके ऊपर थोड़ी सी पिसी चीनी लगा दीजिए, जिससे ये बिल्कुल ड्राई रहे और कभी भी चिपचिपी ना हो। आमले का पाउडर कैसे बनाए घर पे बहुत ही बढ़िया तरीके से बिना काले हुए, ये रेसिपी मैंने डाली है, आप इन्हें देखिए, इनकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। और आमले का पाउडर तो आप ज़रूर बना के रखिए, छोले की रेसिपी में बहुत पसंद आता है, हलवाई लोग इसे बहुत यूज़ करते हैं छोले के मसाले में। यहाँ देखिए, मैं आपको आमला कैंडी आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, ये काफ़ी जूसी हैं। अब कोई भी आप सूखा जार ले लीजिए जिसमें आप ये आंवला कैंडी रख दीजिए। ये आंवला कैंडी में चीनी डालने से ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी आपस में और काली भी नहीं पड़ेंगी। स्वादिष्ट बहुत हैं, इन्हें आप खाकर एंजॉय कीजिए। तो यहाँ देखिए, इस कैंडी को कितनी बढ़िया ये बन चुकी है। इसे आप साल भर तक रखकर, 2 साल तक रखें, साल भर रखें, जितनी भी बनानी आप बना के रखिए, ये कैंडी कभी भी ख़राब नहीं होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए।